यार एक शहर भी हो ना सानों भी आंधी हो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जुमे का दिन है और तारीख है 15 अक्टूबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉकर आयशा और रैम्बो के हवाले से। कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, एक तो आगे चल के आपको सुनाता हूं। रैम्बो और आयशा की एक नई वीडियो लीक हुई है, पुलिस के हाथ लगी है, उसमें पूरा प्लान जो है वो बेनकाब हो गया है। किसने कैसे कॉल करके क्या कहा, वो सारी चीज़ें जो है जब आप वीडियो सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएंगी। एक तो आपसे ये बात करूंगा, दूसरा आज जो है ये रैम्बो समेत जो है जो 11 मुलजमान गिरफ़्तार हुए थे, टोटल इसमें 13 मुलजमान हैं जो 11 मुलजमान गिरफ़्तार हुए थे, उनको आज दोबारा जो है वो पेश किया गया था कचहरी में। और आज वहाँ पर कचहरी में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, आपको ये बताऊँगा। और साथ ये भी कि इस हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी ने जब ये आयशा वाला मामला आया था, आज एक उसके ऊपर भी इंकशाफ हुआ कि उसने क्या किरदार अदा किया था इस मामले में, आगे चल के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की जो कार्रवाई हुई है वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज़ खालिद महमूद के पास जो है इनको पेश किया गया था 11 मुलजमान को। प्रोसिक्यूशन ने जो है कहा था कि जी 7 दिन का हमें मजीद रिमांड चाहिए, मजीद कुछ मुलजमान इन मुलजमान की मामलत से हमने गिरफ्तार करने हैं और जो है उनको भी शामिल तफ्तीश करना है। अभी तक तफ्तीश नामुकम्मल है, इनके 2 साथी बाकी हैं जिनको हमने गिरफ्तार करना है और वो इनकी टीम का हिस्सा हैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकेगी। जज साहब ने पूछा कि आप इसके ऊपर पेश रफ्त बताएं, आप लोगों ने क्या की है। उन्होंने कहा एक तो गिरफ्तारियां की हैं, दूसरा ऑडियो फोरेंसिक के लिए जो है वो जो ऑडियोज़ हैं वो फोरेंसिक के लिए भेज दी हैं FIA को। मोबाइल फ़ोन जो है हमने इनसे रिकवर कर लिए हैं। इनके ग्रुप जो इनके मुलजमान के दोस्तों का एक ग्रुप है उनकी कुछ तस्वीर भी हमारे हाथ लगी हैं जो कि मजबूत केस को मजीद मजबूत करेंगी। अब मुलजमान का जो वकील है उसका यह मौक़ था कि पुलिस ने जो है खातून ने पहले पुलिस को एक बयान हल्फी दिया था कि ये मेरे मुहाफिज़ थे, इन लड़कों ने ही मुझे बताया था, अब जो है और वो ऑन रिकॉर्ड है। मुलजमान के वकील ने कहा कि अब खातून ने यह बयान बदला है और बयान बदलने की वजह यह है कि शनाख्त परेड वालों से जो है वो खातून ने पैसे मांगे हैं और उन्होंने मेरे जो मुअक्किलीन हैं यानी ये मुलजमान उनको कहा कि जी मिलकर इनसे पैसे वसूल करते हैं। इन लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया जिसकी वजह से खातून ने जो है इनको गिरफ़्तार करवाया। मेरे जो लोग हैं मुकलिन हैं उनसे जो है कोई रिकवरी नहीं हुई जो है इसलिए इनको मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड देना जो है वो ज़्यादती है, इनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। और उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि जी आप जो है इनको ले जाएं और थोड़ी देर के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया और इनका 14 दिन का जुडिशल रिमांड हो गया, यानी उनको जेल भेज दिया गया है और उनका अब जो है पहले कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद उनको सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन कमेटी के जो सरबराह हैं उनसे जब पूछा गया हमारे दोस्त रिपोर्टर ने कि जी आप ये बताएं कि आयशा की गिरफ्तारी के हवाले से क्या है, तो उसने उसके ऊपर कहा कि जी फिलहाल उस हवाले से हम बात नहीं कर सकते। मज़ीद इसकी तफसील मैं ले रहा हूँ और आयशा की गिरफ्तारी के हवाले से अगली किसी वीडियो में आपके सामने सारी तफसीलात रखूँगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊं, वो ऑडियो जो आयशा और रैम्बो के आपस की गुफ्तगू है और उसमें वो सारा प्लान जो है वो बिल्कुल आप जब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो सारा प्लान आपस में उन्होंने कैसे बनाया। पहले ये ऑडियो सुन लेना, उसके बाद फिर आगे चल के इस हवाले से भी बात करेंगे और भारत की खुफिया एजेंसी का क्या किरदार रहा है वो भी आपको आगे चल के बताऊँगा। आज इसके हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ है, तो ये ऑडियो सुने। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफ़ा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है, कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफ़ा मनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस, उसके बाद देखना कि तुम्हारी गहती हो, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज़ तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो यह और कल तुम 2 बजे ड्यूटी से जब फ्री होगी ना तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। और 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहन। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी उसी टाइप का कुछ पहनना है। और कल सिर्फ 4 बजे तुम अंदर कदम रखना, ठीक है। आ
आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी मेरी वर्थ तुमने जितनी गिरा दी है ना मुझे पता है। बहरहाल ये इनका आपस में बात हुई थी, यह पुलिस के हाथ लगी है और ये ऑडियो लीक हुई है। और इसमें जो है रैम्बो कह रहता है कि जब ड्यूटी ख़त्म करना 4 बजे तो उधर आ जाना, फिर देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। अब पता नहीं वो इस उस हवाले से कह रहा है जो हुआ है, या वो उसको कह रहा है कि जी आपकी वर्थ और वैल्यू और ये सारे मामला जो है। और फिर साथ ये भी कह रहे हैं हमारे पास कानूनी सिक्योरिटी भी है, फिराक शिराक के हवाले से भी बात हुई है। बहरहाल ये सारा मामला जो है अब एक और नई ऑडियो की सूरत में, इसमें ये चीज़ वाज़ह तौर पर नज़र आ रही है कि इसमें और बहुत सारी जितनी भी आडियोज़ वीडियोस जो कुछ भी मिल रहा है उनमें ये पता चल रहा है कि ये मामला दो तरफा था, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की थी, क्योंकि जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता जो उसके साथ हुआ है, उसको मैं आज भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। किसी के कपड़े फाड़ना, किसी को हवा में उछालना, किसी की सब मतलब उसको बेइज्जत तार तार कर देना, उसकी इज्जत को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, जितनी चीज़ें मजीद पुलिस के हाथ लग रही हैं वो मजीद खुलेंगे। और अब जो एक और मरकज़ी मुलज़िम है, जब वो गिरफ़्तार होगा तो मेरे ख्याल से उससे जो चीज़ें निकलेंगी वो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। जब वो गिरफ़्तार होगा तो इंशाल्लाह उस हवाले से आपके सामने मजीद रखूँगा। अब मैं आता हूँ कि जी आज जो है जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, वो आज गुफ्तगू कर रहे थे एक जगह और उन्होंने एक चीज़ इस हवाले से कही है जो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। फेक न्यूज़ के हवाले से वो बात कर रहे थे और उन्होंने इस हवाले से जो है बात करते हुए आयशा अकरम वाले केस का हवाला दिया कि किस तरह भारत की खुफिया एजेंसी ने इसमें किरदार अदा किया। उनका कहना था कि जी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो मीनार पाकिस्तान का जो वाकया हुआ है, वो कहते हैं कि एक इंडियन चैनल ने 175 के करीब इसके ऊपर वीडियोस बनाई और उसमें जो है ये दिखाया गया कि किस तरह ख्वातीन के लिए पाकिस्तान गैर महफूज है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसके हवाले से हज़ारों ट्वीट्स भी की गई, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इस पे काम किया। उन्होंने कहा कि जो है क्रिटिसिज्म जो है वो एक फेक किस्म का जो है वो क्रिटिसिज्म और ये तैयार किया गया और फिर पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व किया गया। वजह उन्होंने ये बताई कि दिल्ली में उन दिनों रेप के बहुत ज़्यादा वाकयात हो रहे थे और दिल्ली जो है वो दुनिया की नज़रों में था कि यहाँ पर ख़वातीन गैर महफूज हैं। लेकिन उन सारे मामलात का रुख जो है जब ये एक इंडिविजुअल वाकया उन्होंने कहा हुआ लाहौर में जो कि अनफॉर्चुनेट वाकया था, उन्होंने कहा कि वो जो हुआ उसके बाद जो है भारत ने एक पूरा नैरेटिव बनाया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यह जहर उगला कि पाकिस्तान ख्वातीन के लिए गैर महफूज है। नैरेटिव इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया भारत ने इस वाक़े को लेकर उछाला कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी थे वो भी, वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब के, वो भी ये समझना शुरू हो गए कि शायद पाकिस्तान में हालात वाकई इतने ख़राब हैं और ख्वातीन के लिए ये मामला इतना ही ख़तरनाक है पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी आयशा अकरम केस के हवाले से। नूर मुकद्दम कतर केस के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को ने सुना बूझ करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।